ट्रेंडिंग चाली वाली लेस को आजकल फ्रंट नेक में भी लगाने लगे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको ये लगाना बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फ्रंट वाली साइड है और उसके बाद हमने एक स्क्वायर पीस लिया है फैब्रिक का, जिसके नीचे हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर को प्रेस से चिपका लिया था। इसको डबल फोल्ड करेंगे और नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे, जो कि हमने 8 इंच लगाई है, और उसके बाद हमने चौड़ाई इसकी 3.5 इंच लगाई है। और इन दोनों निशानों को आप अच्छी तरह से मिला लें, ये देखिए। अब इसकी दूसरी वाली साइड में भी आपको सेम मार्जिन के साथ ड्रॉ करना है। जैसे कि हमारा नेक 7 इंच रेडी था, तो हमने इसमें 1 इंच प्लस किया है, और हमारी चौड़ाई है इसकी 6 इंच, तो हम 3 इंच लगाने वाले थे, तो हमने उसमें भी 1 इंच प्लस करके लगाया है, 3.5 इंच। 7 इंच हमारा टोटल इसकी चौड़ाई हो गई है, क्योंकि बीच में हमारी जाली वाली लेस आ जाएगी तो ये कम हो जाएगा। साइड में आप कितना मर्जी मार्जिन रख सकते हो, हमने 1-1 इंच का मार्जिन रख लिया है। सेंटर में कट लगा देंगे। इसको खोलकर देखेंगे, बीच में हमारा स्क्वायर नेक बन गया है। साइड को हम इस तरह से फोल्ड करना है, और ये देखिए हमने साइड्स को फोल्ड कर लिया है। अब ये हम कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल नेक को अटैच करते हो, वैसे ही आपको इसे अटैच कर देना है, और इसकी शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। वी नेक में भी इस तरह से लेस लग जाती है। हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर नेक को बना रहे हैं, आप बुकरम के ऊपर भी बना सकते हो। और चलिए, सिलाई लगाने के बाद इसको बीच में से कट कर देंगे, और जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनमें हम छोटे से कट लगाएंगे, दोनों कॉर्नर्स में लगा लेंगे, ये देखिए। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको पीछे वाली साइड में फोल्ड करना है। हमने इसे पीछे वाली साइड में फोल्ड कर दिया है, आप आयरन से भी कर सकते हो। ये तो हमारा नेक कुर्ती के ऊपर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हमने एक जाली वाली लेस ली है। जितनी आपके नेक के ऊपर ये लेस लगेगी, आप उतनी कट कर लेना, पहले 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना। तो चलिए, लेस को कट कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी, और जिसके पीछे भी हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर को लगा लिया है, और इस पट्टी की सीधी साइड में हम इस लेस को रखकर लगा रहे हैं। लेस को भी हमने सीधा रखकर लगाया है। इसे स्टिच करने के बाद इसको पट्टी की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसके दूसरी साइड में थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करेंगे और उठाकर लेस के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमारी पट्टी बननी शुरू हो जाएगी। किनारे किनारे के ऊपर आप स्टिच करते जाएंगे। इसे और फिनिशिंग देने के लिए आप प्रेस भी कर सकते हो। यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिए हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले नेक की एक साइड में आपको नाप लेना है, यहाँ तक हमारी लेस आएगी। जहां तक आपने निशान लगाया उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके तिरछा निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने तिरछा निशान लगा लिया है। इसको स्टिच करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड में भी आपको नाप कर निशान लगा लेना है। यहां से भी आपको इस तरह से फोल्ड करना है और तिरछा निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको यहां से पक्का करके स्टिच करेंगे। थ्रेड को कट कर देंगे। इसे खोल कर देखेंगे तो हमारा कॉर्नर अच्छी तरह से बन गया है, और ये वेस्ट कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे, थोड़ा सा छोड़कर। और इसके साथ ही जो हमने दूसरा निशान लगाया था उसको भी हम स्टिच करना शुरू करेंगे। लगाने से पहले आपको कॉर्नर अच्छी तरह से चेक करने हैं। ये हमारा थोड़ा सा कम बना है, तो इसको थोड़ी सी ज्यादा सिलाई दे देंगे। स्टिच करने के बाद फिर से इसे खोल कर देखेंगे तो ये हमारा ठीक हो गया है। अब इसे नेक के ऊपर किस तरह से अटैच करना है। लेस की किनारी के ऊपर नेक की साइड को इस तरह से रखेंगे और स्टिच करना शुरू करेंगे। ये सिलाई आपको परफेक्ट लगानी है। अगर आपकी लेस आगे पीछे होने का खतरा है, तो आप इसे पहले पिनअप भी कर सकते हो, जिससे कि ये आपकी नेक लाइन है वो अच्छी तरह से अटैच हो जाएगी। नेक के चारों साइड इस लेस वाले पैटर्न को अटैच करके फिनिश कर देंगे। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप जितनी चौड़ी लेस लेंगे, आपको नेक भी उतना ही ब्रॉड और डीप रखना होगा। लेस और इसके साइड में जो पट्टी है, लगाने के बाद ये नेक कम हो जाता है। तो चलिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। हमारा नेक डिजाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको नेक डिजाइन में इस तरह की लेस कैसे लगाते हैं पता लग गया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और आज की इस वीडियो को देखकर आपको नेक में इस तरह की लेस लगाना अच्छी तरह से पता लग गया है। और अगर आपने स्लीव्स में इस तरह की लेस लगाना सीखना है, तो आप स्क्रीन पे दिखाई जा रही इस सेंटर वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो।